जैसे किसी अनुचुंबकीय पदार्थ जैसे कागज प्लास्टिक कागज का गत्ता होता ना मोटा सा प्लास्टिक जो विद्युत के कुचालक होते हैं उनको इस प्रकार से लपेटे कि बेलन का आकार हो जाए समझ गए बेलन का आकार हो जाए बेलनाकार है फिर उसके ऊपर विद्युत रोधी तार जैसे तांबे का तार फेरों में लपेट दे कई फेरों में लपेट दे ठीक है विद्युत रोधी का मतलब होता है कि ये एक दूसरे से टच करें तो शॉर्ट सर्किट ना हो स्पार्किंग ना आए यानी उस पे तो प्लास्टिक लपेटी हो तार पे या धागा लपेटा हो ये जो अमूमन तार होते हैं ये लाल देखो प्लास्टिक लपेटी है अंदर तांबे का तार है इसको कहते हैं विद्युत रोधी तार तो इस तरह से लपेट दें लपेटने के बाद जो ये आकृति बनी उसको हम कहेंगे परिनालिका क्या क्या कहेंगे परिनालिका यानी कागज के गत्ते को बेलनाकार आकार में बना दिया उसके बाद तांबे के तार को फेरों में लपेट दिया अनेक फेरों में उसके बाद जो तैयार हुआ उसको कहेंगे सही है फिर जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसको धारावाही प्रणालिका कहेंगे और धारावाही प्रणालिका हमेशा दंड चुंबक की भांति कार्य करती है कैसे अगर हम बीच से धागा बांध के इसको लटका दें तो यह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में